एक्सपायरी डेट का खाद्यान्न बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकान संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामान को नष्ट कराया है। साथ ही दुकान में रखे अन्य खाद्यान्न का नमूना लेकर उन्हें जाँच हेतु प्रयोगशाला पहुँचाया गया है। शहर के टंकी चौराहा रोड स्थित आरके ट्रेडर्स संचालक द्वारा लंबे समय से एक्सपायरी डेट का सामान बेचा जा रहा था, जिसकी प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते एसडीएम शेली कनास और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार रात आरके ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई करते हुए जांच की। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट का सिंगाड़ा आटा मिला, जिस पर दुकान को सील किया गया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने बुधवार सुबह दोबारा दुकान पहुंचकर दुकान में रखे विभिन्न प्रकार के एक्सपायरी डेट के खाद्यान्न को नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके कामले ने बताया कि आरके ट्रेडर्स पर जांच के दौरान सिंघाड़ा के आटा सहित 12,135 रुपये का अन्य एक्सपायरी खाद्य सामान भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसी के साथ दुकान से गंगवाल ज्वार आटा, पांचाल सिंघाड़ा आटा, हल्दीराम रतलामी सेव, फॉर्चून बेसन का सैंपल लिया गया है, जिसे जाँच हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला पहुँचाया जाएगा। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद दुकान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे पर्व के अवसर पर आम जनता बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड मटेरियल परचेज करती है, और वैसे भी इस दुकान की बहुत लंबे समय से इस आशय की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये एक्सपायरी डेट का मटेरियल बेचते हैं, परंतु आज इनके द्वारा जो सिंघाड़ा और दूसरे सामान बेचे जा रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर्ड मटेरियल ही इनके द्वारा बेचा जा रहा था। इसी शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आज इस दुकान की जांच की गई है, और जांच करने पर यह पाया गया है कि काफ़ी संख्या में, जैसा कि आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, काफ़ी मटेरियल, चाहे वो पोहा हो, आटा हो या अन्य ऐसे महत्वपूर्ण मटेरियल जो आम जनता द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं, वो आउट ऑफ डेट एक्सपायरी डेट के पाए गए हैं। मैडम, दुकान पर सील करने की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दुकान को इस वक्त चूंकि इतना समय नहीं है कि हम हर मटेरियल इनका डिस्ट्रॉय कर पाए, तो हम अभी इसको सील कर रहे हैं, और सुबह 10 बजे के बाद जो है इनके मटेरियल जो भी आउट ऑफ डेट है और शॉप के अंदर रखे हुए हैं, जिसको ये बेचने की मंशा से इन्होंने अंदर रखा हुआ है, ऐसे एक्सपायर्ड मटेरियल को डिस्ट्रॉय एसएसओपी परचेजिंग में करवाई जाएंगी। इसलिए अभी दुकान सील की जा रही है।